शक्तिमान शो को जो पसंद करते थे उनके मन में आज भी ये सवाल है कि आखिर कुछ एपिसोड करने के बाद पुरानी गीता विश्वास ने शक्तिमान को क्यों छोड़ दिया था। जब भी शक्तिमान शो का नाम हमारे सामने आता है तो हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, जिस शो ने अपने समय में धमाल मचा दिया था, जिसके दीवाने बच्चों से लेकर बड़े भी थे। दोस्तों, अगर आपने शक्तिमान देखा है तो आपको याद होगा कि शुरू के कुछ एपिसोड में किट्टू गिडवानी गीता विश्वास के रोल में नजर आई थी, मगर उसके बाद वह जगह वैष्णवी मर्चेंट को दे दी गई थी और शो के अंत तक वैष्णवी मर्चेंट ने ही गीता विश्वास का रोल निभाया था। अपने यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल में मुकेश खन्ना ने एक वीडियो डाला और इस बात का खुलासा किया। शक्तिमान में किट्टू गिडवानी को, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रही थी और लोग उन्हें पसंद भी कर रहे थे, क्यों हमने उनको चेंज करके गीता विश्वास का किरदार वैष्णवी को दे दिया। मुकेश खन्ना बताते हैं कि एक दिन किट्टू गिडवानी ने डायरेक्टर दिनकर जानी से कहा, जानी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, इस शो में मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है। ये बात मुकेश खन्ना को पता चली। मुकेश खन्ना ने डायरेक्टर से कहा, उससे कहो कि अगर तुम सुपर हीरो के सामने काम करोगी तो भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी, ये तो तुम्हें पहले सोच समझ कर साइन करना चाहिए था। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं, आपको याद होगा जब हम गाना कर रहे थे रुक चिक पक चिक, जिस गाने के आखिर में स्टोन मैन आता है जिसे कपाला भेजता है, उस समय हम फैंटसी लैंड में शूटिंग कर रहे थे, शक्तिमान बच्चों के साथ झूला झूलता है, 3 दिन की शूटिंग थी, किट्टू गिडवानी 2 दिन तो आई, जिसमें आपने देखा होगा वह बच्चों के साथ डांस कर रही थी, मगर 3रे दिन बिना कुछ कहे वो नहीं आई। अब उस शूटिंग को हम कैंसिल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि 3 दिन के लिए पूरा फैंटसी लैंड हमने बुक कर रखा था। मुकेश खन्ना ने कहा, मुझे डिसीजन लेने में 2-3 मिनट लगते हैं, मैंने जानी जी से कहा चेंज कर दो, उसके बाद हमने गीता विश्वास को चेंज कर दिया और वैष्णवी हमें मिली, फिर हमने उन्हें बना दिया गीता विश्वास। आगे के एपिसोड में बताते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया, बल्कि मैं समझता हूँ उसने किट्टू गिडवानी से भी ज्यादा अच्छा काम किया, लोग उसको गीता विश्वास मानकर एक्सेप्ट भी कर रहे थे। दोस्तों, शक्तिमान के एंड में मुकेश खन्ना बच्चों के लिए कुछ अच्छी बातें बताते हैं, वह कौन से डायलॉग में कहते हैं ये कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।